Hello students, now we are starting a series of lectures for what semiconductor materials and what electronics logic gates. Okay, and here in this lectures we'll go through some basic questions. Okay, and through the questions only I will describe you the concept. मतलब क्वेश्चन आप करते जाएंगे और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे. The electrical conductivity of a semiconductor increases when a wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. Find the energy gap of the semiconductor. तो देखिए, आपके पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और बता रहा है कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. कब? When a light of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident. जब इससे या इससे कम एनर्जी की लाइट आती है तो वहां पर इसकी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाएगी, ये आपको समझना होगा. तो ध्यान दें, आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में जानते हैं, ये जो है किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं आपको मालूम है. जैसे कि अगर आपने जो है अगर जर्मेनियम को लिया, आपको मालूम है कि जर्मेनियम जो है अपने चार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये पड़ोस के एक एक जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आपको मालूम है. और इस तरीके से वो अपना 8 का फिगर कंप्लीट करते हैं, ये इस तरीके से आगे बॉन्ड बनता जाता है, आप जानते हैं. ओके, ये देखिए, इस क्रिस्टल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंगेज हो गए हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और एंगेज हो गए हैं. अब अगर आपके पास कोई लाइट एनर्जी आएगी तो उस लाइट एनर्जी की मदद से ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिसीव करके यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है. और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसकी जगह होल पैदा हो जाएगा. ये आ गया तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन. तो जब लाइट एनर्जी आके पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो रहा है, बॉन्ड जो है टूट रहा है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है. और इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के बाद एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर मिलेगा. इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन और होल का कॉन्सेंट्रेशन आपको इस प्योर जो है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में आपको सेम मिलेगा. तो देखिए, जब लाइट आके पड़ रही है, बॉन्ड का टूटना, इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आपको वहां मिल रहे हैं. इसी को आप चाहे तो एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझ सकते हैं. मामला क्या है कि अगर आपके पास कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो आप जानते हैं कि इसकी जो एनर्जी बैंड थ्योरी है वो आपको क्या समझाती है कि आपके पास इस तरीके से नीचे जो है वैलेंस बैंड होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लो टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी है. कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंगेज हैं. लेकिन जब आपके पास ऐसे ही लाइट आके पड़ती है और वो जो लाइट है उसको जरूरी है कि उसकी एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है उस लाइट की एनर्जी जो है एनर्जी गैप से ज्यादा होना चाहिए. अगर जो लाइट आ रही है वो पड़ रही है उसकी एनर्जी जो है एनर्जी गैप से ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके यहां जा सकता है. अब आपको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं कब, और यहां पर अपनी जगह क्या छोड़ दिया उसने, होल्स. इलेक्ट्रॉन्स आ गए कंडक्शन बैंड में और यहां पे होल्स जो है वो छूट गए. इस तरीके से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है आपको मिल जाते हैं. और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिलेंगे तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. ओके, तो यहां पे क्या आ रहा है, लाइट एनर्जी के आने से, आप इधर से भी समझ सकते हैं, इधर से भी समझ सकते हैं, लाइट एनर्जी के आने से बॉन्ड का टूटना, इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का बनना. वैसे ही जब यहां पे लाइट एनर्जी आके पड़ेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर कहां जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में. और आप समझ रहे हैं कि यू रिक्वायर एटलीस्ट द एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी गैप और ग्रेटर. एनर्जी गैप से
के बराबर या उससे ज्यादा की आपको एनर्जी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर ऊपर जाएगा। और इसलिए बच्चों यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या ईजी वॉट एससी बाय लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी जो है लाइट के टर्म में आ रही है, फोटोन के टर्म में आ रही है, और फोटोन की जो एनर्जी है वो एससी बाय जो लैम्डा है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, ये जो एससी बाय लैम्डा है ये कम से कम एनर्जी गैप के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है, यहां से आप ईजी को लिख सकते हैं, ये जो एनर्जी गैप है वो आने वाले फोटोन की एनर्जी के बराबर हो, राइट, या वो जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है। ओके, अब यहां से इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एससी बाय ईजी। और मैंने आपको, अगर आप फोटॉन्स पे लेक्चर देखेंगे मेरा, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि आप जो है एचसी को जो है क्या लिख सकते हैं, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये आप एचसी की वैल्यू रख सकते हैं। और एनर्जी गैप जो है वो आपको, ओ सॉरी, यहां पर आपको जो है एनर्जी गैप नहीं निकालना है, आपको यहां पर वेवलेंथ दिया हुआ है, एनर्जी गैप निकालना, एनर्जी चाहिए। तो देखिए एनर्जी गैप के बराबर जो है वो फोटोन आना चाहिए। अब जानते हैं आप जो है एससी को क्या लिख सकते हैं, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में आ रहा है। और जब आप शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं फोटोन का लेक्चर आप देख लीजिए, तो एचसी की वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और लैम्डा की वैल्यू 2480 नैनोमीटर देखेंगे, ऑलमोस्ट हाफ है, तो ये आ गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गैप जो है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तभी जो है ये पॉसिबल होगा। तो इस डेटा से ये समझ आ रहा है कि इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए, तब इस वेवलेंथ पे या इससे कम वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाएगा, और इस तरीके से जो है वहां पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बहाने जो है क्वेश्चंस देखते जाएंगे और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते जाएंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हम जो है डोपिंग के बारे में देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से डोपिंग करके जो है आप कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि अगर आप जो है क्या करें, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसमें अगर आप पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम डालते हैं, तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम के जो चार इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन एक जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है पेंटावेलेंट है, चार तो सिलिकॉन के साथ मिलकर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत इजिली फ्री किया जा सकता है उसको, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड फ्री इजिली। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ये आयन बन जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, डोनर आयन है ये, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में आप पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम मिला के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। वहीं जब आप बात करते हैं किसकी, पी टाइप की, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आप ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम लेते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम, जैसे इंडियम लिया आपने, यहां पर क्या हो रहा है देखिए कि इस जगह जो है इसके तीन इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए ये ट्राइवेलेंट है तो इसके जो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन एक जगह खाली है, इस खाली जगह को यहां से कोई आके इलेक्ट्रॉन अगर फिल करे तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा और यहां पे होल पैदा हो जाएगा। इस तरीके से आप होल्स का नंबर बढ़ाते हैं, पी टाइप में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, होल्स का नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, एन टाइप में क्या है, एन टाइप में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और ये पॉजिटिव आयन हो जाता है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली आपको मिल रहा है। जितने ज्यादा इंप्यूरिटी एटम पेंटावेलेंट होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा है होल कॉन्सेंट्रेशन से। और यहां पे जो है ये जो खाली जगह थी तीसरी चौथे इलेक्ट्रॉन की, तीन तो वैलेंस बॉन्ड बना चुके थे, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड बना चुके थे, आई बात समझ, तीन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके थे, तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके थे, जो जगह खाली थी उस जगह को फिल करने के लिए अगर पड़ोस से इलेक्ट्रॉन आता है तो ये नेगेटिव आयन हुआ, यहां होल पैदा हो रहा है, यहां पे होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है।
लेकिन हमको मालूम है कि प्योर क्रिस्टल में जो है, प्योर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में देखा था, जितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, जितने बॉन्ड टूटते हैं उतने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इक्वली मिलते हैं, मतलब इनका नंबर इक्वल होता है प्योर में। लेकिन जब आप डोपिंग करते हैं, जैसे यहां पे बोल रहा है सिलिकॉन में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, आपको दिया हुआ है कि जो प्योर क्रिस्टल में कॉन्सेंट्रेशन 1.5 × 10^16 पर मीटर क्यूब दिया आपको। डोपिंग बाय इंडियम, इंडियम ट्राइवेलेंट है, जैसे आपने डोपिंग की, जानते हैं चौथी जगह को फिल करने के लिए पड़ोस से इलेक्ट्रॉन आए, नेगेटिव आयन बना और होल्स का नंबर बढ़ा, ठीक है, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और होल कॉन्सेंट्रेशन अब जो है वो हो रहा है क्या, एनएच इन पी टाइप, एनएच जो है होल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 4.5 × 10^22 पर मीटर क्यूब, होल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब आपने ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम जोड़ा, होल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, राइट। अब बड़े ध्यान से देखें यहां पे काम की चीज क्या, ये यहां पे आपको समझना है कि जब वो क्या बन जा रहा है, पी टाइप बन जा रहा है, तब इनके कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होगा, व्हाट विल बी द रिलेशन इन देयर कॉन्सेंट्रेशन। याद रखें इस केस में क्या होता है, एनी इंटू एन एच एन आई स्क्वायर के बराबर होता है, एन आई का मतलब होता है ये एन आई है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो याद रखेंगे काम की चीज क्या, कि वेन यू हैव द डोपिंग बाय इंडियम, होल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग, होल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और याद रखें अब जो है एनी इंटू एन एच ये एनआई स्क्वायर हो जाएगा, एनआई मतलब ये तुम्हारा इंट्रिंसिक जो पहले प्योर में था, तो प्योर इन प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, तो एनआई का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में कॉन्सेंट्रेशन। तो ये देखिए आपको ये दिया तुमको कितना 4.5 × 10^22 होल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जब आपने इंडियम एटम डाला, इंप्यूरिटी एटम डाला तो वहां पे जो है होल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, वो हो गया 4.5 × 10^22 राइट। और एनआई की वैल्यू पहले क्या थी, 1.5 × 10^16 क्लियर। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे एनी क्या मिल जाएगा आपको, 1.5 × 10^16 / 4.5 × 10^22 स्क्वायर, नहीं एनआई स्क्वायर, तो सॉल्व करें क्या होने वाला है, 2.25 × 10^32 / 4.5 × 10^22 राइट। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट एनी की वैल्यू आ रही क्या, 5 × 10^9 पर मीटर क्यूब, 5 × 10^9 पर मीटर क्यूब। तो बड़े ध्यान से देखिए क्या हो रहा मामला, जब प्योर सेमीकंडक्टर है तो दोनों बराबर है, एनआई एनी और एनएच दोनों का नंबर बराबर है, कब, प्योर सेमीकंडक्टर में। डोपिंग होने के बाद फॉर्मूला चेंज हो गया, डोपिंग होने के बाद अब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो एनआई स्क्वायर है, याद रखेंगे इसको। तो आफ्टर डोपिंग इन पी टाइप और ऑल्सो इन एन टाइप द सेम फॉर्मूला, एनी इंटू एनएच इज एनआई स्क्वायर। अब आपको एनआई दिया हुआ है, वैल्यू रखा, एनएच बता दिया कि डोपिंग करने पर, इंडियम से डोपिंग करने पर होल कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ गया 4.5 × 10^22 राइट। आपने होल कॉन्सेंट्रेशन रख दिया यहां पे और यहां से सॉल्व करके आपने एनी जो है निकाल लिया। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको फिर से मैं रिकॉल करा दूं, इस क्वेश्चन के बहाने ध्यान दें मैंने क्या बताया आपको, कि अ सैंपल ऑफ प्योर जर्मेनियम हैज अ होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। प्योर, जब प्योर होगा तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि किसके बराबर है, आपको दिया हुआ है
तो प्योर सेमीकंडक्टर में होल कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। कितना दिया आपको? 10^13 m³। अ सैंपल ऑफ प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल हैज होल कॉन्सेंट्रेशन दिस, प्योर का होल कॉन्सेंट्रेशन 10^13 आपको दिया हुआ पर मीटर क्यूब। अब जब आप डोपिंग कर देते हैं, आफ्टर डोपिंग, मालूम है आफ्टर डोपिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज। पी टाइप में होल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ड्रॉप हो जाएगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एनी बढ़ जाएगा, होल कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एंटीमनी के साथ आपने क्या किया है, डोपिंग की है। एंटीमनी जो कि क्या है, पेंटावेलेंट है, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा, एंटीमनी जो है पेंटावेलेंट है उसे डोपिंग करेंगे तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपको मिलने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है। अब यहां पर जो है एन टाइप आपके पास है और आप समझ रहे कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में एन ही बढ़ जाएगा। लेकिन जो एक रिलेशन है जो खास आपको याद रखना है, वो क्या है, एनई इंटू एनएच इक्वल्स टू एनआई स्क्वायर। और यहां पर ये एनआई क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, और जो एनई और एनएच है डोपिंग के बाद कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो यहां पर आपको बताया हुआ है, याद रखें एनआई कितना है बच्चों, प्योर में आपके पास 10^13 दिया हुआ है। एन ई आपको जो है निकालना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या दिया आपको, होल डेंसिटी आपको दी हुई है कि होल डेंसिटी कितना ड्रॉप हो जा रही है। जब आप पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट मिला रहे हैं तो होल डेंसिटी 10^11 हो जा रही है। कौन करे फॉर 15 आपको मिल रहा है यहां पर, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो सेमीकंडक्टर, चाहे वो प्योर हो चाहे वो इम्प्योर हो, एन टाइप या पी टाइप, ओके, इसके ये कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है कि क्या होगी इसकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी। तो यहां पर देखें क्या कि एक जो सेमीकंडक्टर होता है उसका करंट जो है, करंट इन द सेमीकंडक्टर आई, व्हाट इज दैट, तो करंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से भी होगा, होल के फ्लो से भी होगा। तो आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्या, आई ई प्लस आई एच। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि करंट जो होती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखा जा सकता है। ड्रिफ्टिंग कब होती है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ड्रिफ्टिंग होती है। तो उसे आप जो है ड्रिफ्टिंग के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आई इक्वल्स टू एन ए वी डी, राइट। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी होता है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी डी व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं तो करंट फ्लो होती है, I proportional to VD, आप जानते हैं आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। अब यहां पर देखें काम की चीज क्या, यस, अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा एन ई इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, एरिया ऑफ कंडक्टर, चार्ज ई ही रहेगा, और इसको लिखा हो VD की जगह VE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन VE। वैसे होल के लिए क्या होगा, N की जगह NH, होल कॉन्सेंट्रेशन, A एरिया, E चार्ज, होल का चार्ज भी क्या होता है, ई होता है, ठीक है, और वीडी की जगह वी एच, होल कॉन्सेंट्रेशन। यहां से आगे बढ़े, आप आई को लिख सकते हैं क्या, वी बाय आर। फिर आगे आर को लिख सकते हैं क्या, रो एल बाय ए। आप जानते हैं रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है रेजिस्टिविटी के टर्म में, रो एल बाय ए। यहां पर ए और ई कॉमन हो जाएंगे, बचेगा क्या, एनई इंटू वीई प्लस एनएच इंटू वीएच। यहां से देखिए ये ऊपर चला जाएगा ए,
और दोनों तरफ से एक कैंसिल हो जाएगा। यहां V by L की जगह लिख सकते हैं E, याद रखें V by L की जगह लिख सकते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर, वो आपने V by L की जगह रखा E अपॉन रो, ये एरिया ऊपर जाएगा इस एरिया से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ओके आगे बढ़े, यहां से आगे वन बाय रो इज वॉट ई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां आई वी बाय एल की जगह इसको धर ले जाए तो क्या होगा, एनी इंटू वी बाय ई एनएच इंटू वी एच बाय ई, और बच्चों याद रखो वन बाय रो इज वॉट ई एनी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मोबिलिटी म्यू जो आपको दिया हुआ है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाय ई मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ होल, और वन बाय रो की जगह आप लिख सकते हैं सिग्मा भी। तो देखिए आपके पास सिग्मा के लिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए, सेमीकंडक्टर के रेजिस्टिविटी के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्लियर। हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से उसको डिराइव किया है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो IE और IH होगा और I की जगह करंट को अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखा है और ये आपको डिराइव हो गया है, अरे बात समझ में ओके। तो आपके पास फॉर्मूला आ चुका, अब देखिए हम क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड अ होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। आप देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन 0.45 टेस्ट पर 12 है, होल कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू टेस्ट पर 20 है, होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ध्यान दें ये फॉर्मूले का यूज करना आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला जो है तीन तरीके से यूज हो सकता है, पहला अगर मान लो कि बात प्योर सेमीकंडक्टर है जहां इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है तो ये दोनों टर्म एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अगर मान लो कि बात एन टाइप है पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम के बाद जो आपको एन टाइप मिलता है तो उस केस में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, होल डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है, तो आप इस सेकंड टर्म को गायब कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर वही पी टाइप की बात हो रही है तो होल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो उस केस में फर्स्ट टर्म जो है आप उसे जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये याद रखिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे केस में होल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, ट्रांसफर 20 का ऑर्डर है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कम है, ट्रांसफर 12 का ऑर्डर है। तो याद रखें यहां पर काम की चीज, ये जो है तुम्हारा ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, राइट। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास है वन बाय रो और सिग्मा इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी, आप जानते हैं राइट। तो सिग्मा जो कंडक्टिविटी है इस टर्म में है, यहां पर आप ध्यान दें फॉर पी टाइप एनएच इज वेरी मच लार्जर देन व्हाट एनी, जैसे कि यहां प्रॉब्लम में है होल कॉन्सेंट्रेशन दैट्स फॉर 20 का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है, नेगलेक्ट कर दें आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू ई एनएच म्यू एच, बोलो रखे ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, होल कॉन्सेंट्रेशन 5 डैश पर 20, राइट। उसके बाद मोबिलिटी होल का आप देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी 0.135 है तो होल का थोड़ा कम है 0.048, राइट। मोबिलिटी की वैल्यू आपको दी हुई है प्रॉब्लम में, इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो लगभग 3.84 के आसपास आपको
कंडक्टिविटी मिल जाएगी, आप देखेंगे सॉल्व करके तो। और गेटिंग द पॉइंट देयर, ठीक है। तो ये बेसिक्स पे बहुत अच्छा अच्छे तीन क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अगले लेक्चर में हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो लगातार आपको लेक्चर्स मिलेंगे सेमीकंडक्टर के, आप वन बाय वन देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आप जेई और नीट की तैयारी अच्छे से कीजिए, ओके।